हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब में। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी मेट्रो की तरफ से आ रही है। यहाँ देखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, ये एक मेट्रो कंपनी है। जैसे क्यूल्स, क्यूल्स ही की मेट्रो कंपनी है, मल्टी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी रहने वाली है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस कंपनी में। आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये वैकेंसी हैदराबाद की तरफ से आ रही है, तो यहाँ पर हैदराबाद मेट्रो की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें आप सभी को अप्लाई करना है। यहाँ सबसे पहले जो हमारे कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी हमारे बीई बीटेक कैंडिडेट हैं, जो टेक्निकल स्टूडेंट है, बीई हो गया या फिर बीटेक हो गया, या फिर गाइज अगर आप लोगों ने एमटेक वगैरह कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं ऑलमोस्ट। और हमारे जो टेक्नीशियन वगैरह पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज वैकेंसी अच्छी है, आईटीआई डिप्लोमा बीई बीटेक कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। कोई भी फीस नहीं रिक्वायर्ड है, नो फीस एंड नो एग्जाम। आप लोग का मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा। और फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोगों को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप लोग को इसकी जो वैकेंसी है लिंक्डइन से जाकर देखनी है तो आप लोग यहां पर क्लिक कीजिए, लिंक्डइन से जाकर आप लोग चेकआउट कर पाएंगे। लिंक्डइन पे भी बहुत सारी वैकेंसी देखिए, यहां पर लिंक्डइन पे इसका जो पेज है वहां से जाकर बहुत सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। इससे क्या होगा, आप लोग लिंक्डइन से जाकर अप्लाई करेंगे तो आप इसके हर प्लेटफॉर्म से जाकर अप्लाई करेंगे, कहीं से ना कहीं से तो आपका रिप्लाई आएगा। ठीक है, अब हम मेनली जो बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कहाँ से अप्लाई करना चाहिए वो देखिए। तो यहाँ हमारे जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई हैं उनके लिए बता देते हैं, फ्रेशर्स के लिए भी बताएंगे, एक्सपीरियंस के लिए भी। तो आप लोगों को डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से जाकर इस तरीके का टैब ओपन होगा, यहाँ बहुत सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। जैसे परचेज ऑफिसर की है, यहाँ मेंटेनेंस में, ये सभी डिपार्टमेंट जो आप लोगों को दे रखे हैं ये मेंटेनेंस में है। और टीम लीडर या फिर अदर आप लोगों के मेंटेनेंस की, रोलिंग वर्क, टीम लीडर, ये सभी मेंटेनेंस में आपका डिपार्टमेंट रहेगा। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए। चलिए मैं स्क्रॉल करती हूँ तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे सबसे फर्स्ट जो आप लोगों की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो है परचेस ऑफिसर की। यहाँ आप सभी स्टूडेंट 3 से 8 साल के एक्सपीरियंस वाले अप्लाई करेंगे। और सबसे जो मेन बात ये है कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। की स्किल भी दिया गया है, की स्किल से प्रॉफिट ये होता है कि आप जब भी जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे अपने रिज्यूम में ज़रूर यहाँ पर मैंशन करेंगे। ठीक है, जैसे की स्किल तो काफ़ी यहाँ पर सिंपल है, जैसे सेल्फ मोटिवेटेड, फ्लुएंट, थोड़ा इंग्लिश आपको आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आप लोग स्किल बोलने में होने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, या कुछ जो टॉपिक्स दिए गए हैं, तो ये सभी आप लोगों को यहाँ पर मेन चीजें डिस्कस की गई हैं। अब यहाँ नेक्स्ट देखेंगे तो आपका डिपार्टमेंट रहने वाला एम्स ऑफिसर। यहाँ पर गर्ल्स हैं या बॉयज हैं दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा बीई बीटेक दोनों कैंडिडेट, साथ ही आईटीआई कैंडिडेट, आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ इन्होंने इतना ज़्यादा मेंशन नहीं किया है कि कितना ज़्यादा होना चाहिए, बट 5 साल तक आप लोग का अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर दें। रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है, की स्किल ये सभी दी गई हैं, अपने रिज्यूम में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो हमारे आईटीआई वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, वो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे बिजनेस एनालिस्ट के लिए, आईटीआई एंड डिप्लोमा इंजीनियर। यहाँ पर क्वालिफिकेशन ही एंड शी का मतलब है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों रिक्वायर्ड है। 5 ईयर तक का एक्सपीरियंस, ये जो आप लोग का एक्सपीरियंस है 5 ईयर मिनिमम, 0 ईयर है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 ईयर है, 5 ईयर है, सभी एक्सपीरियंस वाले अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी के लिए। आईटीआई और डिप्लोमा यहाँ पर रखा गया है, की स्किल दिया गया है, यहाँ से आप लोग ज़रूर चेक कीजिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी दी गई है यहाँ पर टीम लीडर की है, 3 साल तक का एक्सपीरियंस है। आप लोगों को यहाँ 3 ईयर तक का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिप्लोमा दिया गया है। और आप सभी जैसे देखिए, डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, ये आप लोगों की ब्रांच दी गई है, इन ब्रांच से हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, स्किल्स दी गई हैं। नेक्स्ट जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है, इसके लिए आईटीआई होल्डर अप्लाई करेंगे, आईटीआई कैंडिडेट एंड डिप्लोमा कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। डिप्लोमा की ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल दी गई है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है तो जो आईटीआई की ब्रांच दी गई है। 0 to 3 ईयर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास 3 साल तक का एक्सपीरियंस है बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, 0 ईयर है बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ देखिए, मैंने कुछ आपको बताया है, ये देखिए यहाँ है फ्रेश डिप्लोमा इंजीनियर। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और डिप्लोमा कर रखा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। ये कौन सी है? मेंटेनेंस की है, मेंटेनर की है। नेक्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पर सिग्नलिंग मेंटेनर, मेंटेनर की, ठीक है। इसके लिए भी आप लोगों का 3 ईयर मैक्सिमम डिप्लोमा वो रखा गया एक्सपीरियंस, और ITI होल्डर अप्लाई करेंगे, साथ ही डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आप लोगों का ब्रांच दिया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे देखेंगे आप सभी, जो मेंटेनर की बहुत सारे डिपार्टमेंट दिए गए हैं। गाइज आप लोग एक बार चेकआउट तो कीजिए, ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, दोनों ब्रांच आप लोगों की दी गई हैं। यहाँ भी देखिए फ्रेशर डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ये आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और इसमें तो 10 ईयर तक का मांगा गया है, बट यहाँ आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, एक बार यहाँ से चेकआउट कर लीजिए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल है। यहाँ पर आप लोगों का देखिए, ये आप लोगों का टीम वर्क दे रखा है, इसमें डिप्लोमा ग्रेजुएट दोनों अप्लाई करेंगे। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एलिजिबल है, 4 से 6 साल तक का इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मेन बात आती है कि इन सभी वैकेंसीज के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है। जितनी भी वैकेंसी आप सभी ने देखी है, इनके लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों को लास्ट में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ये जो CV दिया गया है, यहाँ पर ये आपका ईमेल आईडी दिया गया है, ईमेल आईडी पर रिज्यूम एंड CV सेंड करना है। अब आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है एंड कमेंट बॉक्स में पिन की गई। वहाँ पर जाकर आप लोग जब देखेंगे तो एक मैसेज वहाँ पर पिन किया गया होगा, जिसे हम कवर लेटर बोलते हैं। कवर लेटर का हमारा काफ़ी प्रॉफिट रहता है, उससे क्या है कि आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन होती है मैसेज के रूप में, बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर लिखा जाता है, उसको एडिट कर लीजिए कॉपी करके और अपना नाम वगैरह उसमें डाल दीजिए। देन जो सेकेंड वहाँ पर आपको CV या रिज्यूम का पैटर्न भी मिल जाएगा। अगर नहीं आप लोग को समझ में आता है या आप अपना डालना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका खुद का पहले से CV है वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले ईमेल आईडी पर अपना कवर लेटर सेंड करना है, देन आप लोगों को रिज्यूम हो या CV हो ये सेंड करना है। जब आप लोग ये सेंड कर देंगे तो ये आप लोग का फाइनल प्रोसेस होगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को लिंक्डइन से भी इसकी वैकेंसी लेकर आऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आती रहती है, तो लिंक्डइन से भी मुझे लगता है आपको अप्लाई करना चाहिए। वहाँ पर भी काफ़ी सारे HR आपकी वैकेंसी पोस्ट करते रहते हैं, तो जल्दी से इसको अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिंपली इस वाली ईमेल आईडी पर आपको जाना है, यहाँ से जाकर आपको कवर लेटर सेंड करना है पहले, उसके बाद अपना जो भी रिज्यूम है या CV है वो सेंड करना है। लेकिन हाँ ये बात याद रहेगा, गाइस जिस भी वैकेंसी के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, कवर लेटर में आप लोग उस वैकेंसी को ज़रूर मेंशन करें, साथ ही की स्किल, जो की स्किल होती है, जैसे ये की स्किल है, उनको अपने रिज्यूम में मेंशन कर दें। ओके तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।